साई मौला भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, किसी भी मजहब में नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ सब लोग प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। और ये उसने उसको गाली बक दी, उसने उसके धर्म के खिलाफ कुछ कह दिया, उसने उसके खिलाफ कोई बोल दिया, ये गलत है। जो जितना जो है ज़्यादा नेक बंदा होगा, भला होगा, अच्छा होगा, वो सबको एक नज़र से देखेगा और कभी भी अपनी ज़ुबान से ऐसा लफ्ज नहीं कहेगा जिससे किसी को तकलीफ़ हो। जिसकी ज़ुबान से ऐसे शब्द निकलें या जिसकी सोच ऐसी हो कि दूसरे को घटिया समझे, बुरा समझे और अपने को ही अच्छा समझे, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब प्यार से रहें, सब मोहब्बत से रहें, खुदा को यही पसंद है। किस तरह देखते हो इस समागम नूं ते आपकी भाईचारा? सब तो पहला मीडिया के माध्यम राही देख रहे सारे नूं मेरे वालों वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस मुबारक समय ते अज ये देखने को मिले कि इत्थे भावें मुसलमान भाईचारे वालों ये मेला कराया गया, पर इत्थे हर धर्म का भावें सिख होवे, भावें ईसाई होवे, भावें कोई मुसलमान, सारिआं ने इत्थे आके शिरकत की है। तो असी भी इस समय के उत्ते पहुँचे हाँ और गुरु नानक पातशाह दे कलगीधर पातशाह दे, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं भी पुछया गया सी कि महाराज तुहानू किहड़ा धर्म खूब लगता है, तो महाराज ने कहा सीगा कि तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। और इस करके सारे धर्म अपनी जगह ठीक ने, श्रेष्ठ ने, पर असल धर्म जिहड़ा है पंजवें पातशाह कहिंदे सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल करम। सारे धर्मां दे विचों श्रेष्ठ धर्म अल्लाह दा, वाहिगुरू दा नाम जपना है ते सोहणे काम करने ने। सो उसनू मुद्दे रखदिआं होइआं
पीर जिया का प्यार है। सो मैं प्रेम के संदेश दे विच एक गुरु नानक पातशाह का और कलगीधर पातशाह का मैसेज देन वास्ते कि मानस की जात सब है एक ही पहचान बोधा ये मिशन नूं अगे रखदा होया अज इत्थे मैं पहुंचा। मान साहब की जित जिहड़ी पंजाब दे विच होई है एक इस तौर पर भी देखा जा सकता है कि धर्म की जित है तो धर्म की जित असी पर यह भी कहिए कि एक बंदे दे आपां सीस ते सेहरा नहीं सजा सकते। हुण जित तो हुई है पर अगे सानू की नतीजे मिलते हैं वो देखना पड़ेगा। मान साहब का बार बार नाम खालिस्तान नाल जुड़ा जाता है जी। हाँ जी ते उन्हां दे जित तो बाद कई चैनलों ने अपने चैनल के उत्ते लिखा है कि खालिस्तान नहीं जित के पंजाब दे विच अगे जाएगा संसद दे विच जाणगे तां पंजाब दा माहौल खराब हो सकता है कि इस तरह की कोई क्यादे लाई जा सकदी है। देखो भाजी अपने खालिस्तान के नाम तो असी वैसे घृणा करते हैं कई लोग पर खालिस्तान का जो आप असली अर्थ देखिए खालस मीन प्योर तो जेड़ी थान प्योर है भावें गुरुद्वारा भावें मस्जिद है आप जिथे भी एकता की गल होएगी जिथे धर्म की गल होएगी जिथे करुणा की मैदती की प्रेम की गल होएगी मेरे भावना तो सारा ही खालिस्तान है। सो इस करके इस तो घृणा नहीं करनी चाहिए। ये अपना अपना सालाना उर्स से सालाना मेला सी बाबा जी का तो सवेर तो ही शुक्र है मालक का बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी संगत का प्यार तो उन्होंने रहमत प्रोग्राम चल रहा है। तो अज अपने सवेरों 10 बजे तो प्रोग्राम शुरू होया तो 1 बजे तक प्रोग्राम बड़े धूमधाम चलता रहा। मीन ये साढ़े पीर साहब ने शाहजी बाबा नौगजा पीर जी जो 1997 प्रगट होए सी इत्थे ते प्रगट होए सी ते अपने हुक्म मिले सी अपने पिंड दे हैने पिंड दे इन्हां नूं उन्हां दे ख्वाब च सपने च जाके उन्हां नूं कहा सी वी चल मेरी जगह पक्की करा ते ओह पंचकूले रहिंदे सी अपने इत्थे पिंड दे बाणिए ने छिंदा बाणिया जी ते अज जो रसम शुरू तों चली आ रही सी आपां उन्हां दी चादर ते उन्हां दा झंडा चढ़ांदे हर साल ते उन्हों का हुण इंतकाल हो गया छिंदा बाणिया जी दे उन्हां दे सपुत्र ने अगे बेटा उन्हों का ते उन्हां नूं बाबा जी ने रात को सुपने से जाके कहा सी भई मेरी जगह पक्की करा ते पुरातन जगह है बाबा जी की बहुत पुरानी अज अपने शाही इमाम पंजाब लुधियाणा तो मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी जी पहुँचे ने ते शाही इमाम अपने दिल्ली वाले कुतुब मीनार शेर खान ते अपने भाई तेजेश्वर प्रताप सिंह जी झील वाले ते सिंगर कमल खान जी सिर्फ हाजरी लाने पहुँचे। इन्हों का मैं बहुत धन्यवादी हाँ बहुत शुक्रगुजार हाँ इन्हों का कि इन्नी बारिश के बीच भी इन्ना ज़्यादा मतलब तूफान नेरी चल रही थी लेकिन फिर भी हाजरी लाण पहुँचे। मैं बहुत बहुत धन्यवादी करता सारे ये अब शास्त्रां का इदा कि जो साढ़े मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी उन्होंने कहा सी अपने पास शास्त्र होना जरूरी है तो शास्त्र होना इसलिए जरूरी है कि तुसी इदा भी कहा गया कि जे तुसी नमाज पढ़ रहे हो कोई इदा की चीज़ थोड़े सामने आ रही है कि बई वो नुकसानदायक है तुसी अपनी नमाज नू हटा के नमाज तो हट के उस चीज़ नू मार सकते हो सप है या कोई भी खतरनाक चीज़ है तो उस समय तो ही शास्त्र वास्ते कहता कि शास्त्र रहना बहुत जरूरी है। मतलब कि अपने डिफेंस दे लिए शास्त्र रख सकते हैं। हाँ जी रख सकते हैं अपनी सेफ्टी लिए। हाँ जी तो साढ़े जिन्हें भी मतलब गुरु पिता तो गुरु तो अपने पैगंबर चले आए जिन्हें भी 125,000 पैगंबर होए मुसलमाना दे हर पैगंबर ने हर नबी दे कोल शास्त्र सी।